हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आज सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी बाजार में। दोस्तों, इस वीडियो में प्रोवाइड करने जा रहे हैं आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच जो आज सेवंथ मैच खेला जाएगा आईपीएल का 8 बजे। बहुत ही लेट वीडियो डाल रहा हूं दोस्तों, टाइम नहीं मिल पाया आज किसी कारण से, पर आप मैं इसको की इन्फॉर्मेशन फिर भी दे रहा हूँ आपको। दोस्तों, ये शाम को खेला जाएगा मैच। जो दोनों टीमें अपना पिछला मैच हार के आई हुई हैं, मैं इस वेन्यू बताऊँगा, टीम परफॉर्मेंस बताऊँगा, बेस्ट प्लेयर बताऊँगा, पिच कंडीशन और टीम न्यूज़ क्या है। रिसेंट में जो अच्छे आ रही है ड्रीम 11 पे टीम कम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो जो भी डाला आपको नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, ये खेला जाएगा चन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में। इस ग्राउंड में सबसे अच्छा है दोस्तों, ये फर्स्ट क्रिकेट ग्राउंड है वर्ल्ड में जो कि सोलर पैनल्स को यूज़ करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ये ग्राउंड की सीटिंग कैपेसिटी 40,000 पीपल है। साइज स्मॉलर बाउंड्रीज है, यानी कि जब भी स्मॉल बाउंड्रीज होती हैं तो आपको स्कोर बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। वेन्यू की बात करें तो आईपीएल में यहाँ पे 74 मैचेस खेले गए। पहले जो बैटिंग की उन्हें 30 बार विन प्राप्त हुए, जो सेकंड बैटिंग करते हुए 40 बार। एवरेज स्कोर 169 का है फर्स्ट इनिंग का, सेकेंड इनिंग का 149 का है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लास्ट जो 5 मैचेज हुए हैं यहाँ पे T20 के, वहाँ पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 191 रहा है। तो आई स्कोर यहाँ पे 263 बना है, लोएस्ट 82 बना है। आई स्कोर जो यहाँ पे चेंज हो गया है 207 का, बहुत ही आसानी से चेंज हो गया था दोस्तों, जो कि सीएसके ने आरसीबी के खिलाफ ही किया था। लास्ट T20 की बात करें तो जो यहाँ पे हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी जो फैब में हुआ है, उसमें इंडिया को हार मिली थी 90 बनाने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से जीत लिया था। उस मैच में मैक्सवेल ने बहुत अच्छी पारी खेली थी। यानी कि आपके फर्स्ट टू जो 3 प्लेयर रहते हैं यहाँ पे गुड इनिंग स्कोर कर जाते हैं। विकेट जो मिलते हैं वो बहुत ही कम फॉल होती हैं, और जो भी मिलते हैं दोस्तों ये डेथ आवर में जो बॉलिंग करते हैं बॉलर्स उनको भी मिलते हैं। आईपीएल की बात की जाए तो यहाँ 165 का कॉमन स्कोर बनता है, 18 में से 14 बार बन जाता है। टीम न्यूज़ कहते हैं दोस्तों, इस ग्राउंड पर आरसीबी ने 65 मैच में 47 विन किए, मुंबई ने 9 में से 7 बार। एड टू एड की जाए इस ग्राउंड पे तो मुंबई ने 7 मैच जीते हैं, मुंबई फेवरेट है। रन चेस की बात करें तो इस ग्राउंड में जो लास्ट 5 मैचेज हुए हैं तो 3 बार वन कर गई है टीम। यहाँ पे जो लास्ट मैच हुआ था दोस्तों यहाँ पे, वो आरसीबी ने जीत लिया था मुंबई के इंडियंस के खिलाफ ही। आरसीबी एक इम्पोर्टेंट ये भी है दोस्तों, आरसीबी ने कभी भी मुंबई इंडियन को सेकंड बैटिंग करते हुए कभी भी हरा नहीं पाई है दोस्तों। बेस्ट प्लेयर्स जो हैं इस ग्राउंड पे हैं डीकॉक, रोहित शर्मा, और मैं आपको बता देता हूँ कोहली, ए बी डिविलियर्स भी खास प्लेयर रहे हैं इस ग्राउंड में, क्योंकि उनकी पार्टनरशिप देखो आप 229 की रही है। और जो 3 बैट्समैन रहे यहाँ पे सेंचुरीज लगाए जिन्होंने छक्के की, वहाँ कोहली, ए बी डी गेल, और तीनों बैट्समैन ने यहाँ पे 1500 का स्कोर भी किया है। यानी कि वे ये तीनों ही काफ़ी अच्छे स्कोर बनाते हैं यहाँ पे। यानी कि आज की बेस्ट पिक होने वाले हैं कोहली और एबीडी और रोहित और डीकॉक। उसके बाद आईपीएल की बात करें तो दोनों टीमों के 25 मैच खेले गए, आरसीबी 9 विन किए हैं, मुंबई इंडियंस ने 9 विन किए हैं। जो लास्ट फॉर्म है दोनों लूज करके आए हैं। लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो दोस्तों मुंबई इंडियंस ने 4 बार जीता है, 2-1 मैच जीता आरसीबी ने, वो अपने होम ग्राउंड पर ही जीता था दोस्तों। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे वेदर कैसा रहने वाला है तो क्लियर स्काई रहेगा, ड्यू की कोई संभावना नहीं है। पिच सेम बिहेव करेगी 40 आवर्स। पिच की क्या बात है दोस्तों, पिच आपको पता है कि बैट्समैन फ्रेंडली है, जैसे कि स्कोर ऊपर बनता है मैंने पूरा दिखा दिया, हाई स्कोरिंग गेम होने के पूरे पूरे चांसेज है। टॉस कैसा रहने वाला है, टॉस जो भी जीतेगा यहाँ पे, क्योंकि चेज आसानी से हो जाता है तो बॉल करना फर्स्ट के जी। आरसीबी के लिए न्यूज़ तो वही है जी पुरानी, मार्कस टोनियस, नेथन कोटलाइन अवेलेबल नहीं है, वो अपनी टीम के साथ खेल रहे हैं यूएई में पाकिस्तान के विरुद्ध। बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो पार्थिव पटेल आएंगे, विराट कोहली उनके साथ आएंगे, उसके बाद मोइन अली। दोस्तों मोइन अली पिछला जो इनका मैच हुआ था आरसीबी का चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, काफ़ी लो स्कोर रहा था, उसमें 70 बना पाई थी आरसीबी, और क्योंकि बहुत ही स्पिनर फ्रेंडली विकेट थे चेन्नई में। और पार्थिव पटेल भी आई स्कोर रहे थे 29 का, उन्होंने इनिंग बिल्डिंग कर रहे थे, और बाकी प्लेयर्स जल्दी आउट हो गए थे। मोइन अली की बात करें तो दोस्तों एज एन ओपनर उनका स्ट्राइक रेट 148 का रहता है, हो सकता है कि क्योंकि विराट कोहली काफ़ी ठीक नहीं फील कर पाते हैं मैकलेगन के खिलाफ, मैं आपको आगे बताऊंगा उनका बैटल प्लेयर्स बैटल में,
इस कारण हो सकता है कि मोइन अली आपको ओपनिंग करते हुए देखें। उन्होंने पिछले मैच में एक विकेट भी लिया था। ए बी टिलर्स की बात करें तो आईपीएल 2018 में अच्छे स्कोर कर पाए थे वो, पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए। नाइन पे ही जो एटमायर है उनके काफ़ी अच्छे अटैकिंग बैट्समैन है वेस्ट इंडीज़ के, वो जीरो रन बना के रन आउट हो गए थे। शिवम दुबे भी आर्ड हिटिंग बैट्समैन है, वो भी दो रन बना के आउट हो गए थे। कोलिन ड्राम ग्रैंड होम भी कुछ नहीं कर पाए थे। उमेश यादव जो कि पिछले मैच में कोई विकेट नहीं कर पाए थे, परंतु पावर प्ले में उनका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है दोस्तों, वो 14 विकेट ले पाते हैं पावर प्ले में। उन्होंने पिछले प्ले में 15 मैच में 20 लिए थे, जिसमें पावर प्ले में उन्होंने 14 विकेट ले लिए थे। यानी कि आज के मैच में अगर इनके पहले बॉलिंग आते तो उमेश यादव काफ़ी क्रुशल रहने वाले हैं। उसके बाद आएंगे युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज और नवदीप सैमी। जो चेंजेज हो सकते हैं दोस्तों, क्या हो सकते हैं, वो टीम साउथी भी खेल सकते हैं आज के मैच में कोलिन की जगह, या फिर आपको नवदीप सैनी की जगह खेलते हुए देख सकते हैं, या फिर क्योंकि टीम में अगर चेंजेस चाहती है तो। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर भी आपको खेलते हुए देख सकते हैं दोस्तों नवदीप सैनी की जगह, क्योंकि वाशिंगटन पावर प्ले में काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। मुंबई की बात करें तो दोस्तों एडम मिलन नहीं खेल रहे हैं, जैसन बेंड्रोफ भी नहीं खेल रहे हैं। लसित मलिंगा के लिए जो न्यूज आ रही है दोस्तों, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने उन्होंने खेलने के लिए परमिशन देते हैं, वो टीम के साथ अवेलेबल है, सिलेक्शन भी हो सकता है। और सबसे अच्छी खबर है जसप्रीत बुमराह दोस्तों इस मैच में खेल सकते हैं, उनको इतनी इंजरी नहीं हुई थी, जैसे कि शोल्डर इंजरी हुई थी पिछले मैच में, पर वो काफ़ी अभी ठीक हैं। कॉटन डीकॉक आएंगे दोस्तों, रोहित शर्मा, दोनों ही बहुत बड़े प्लेयर हैं, इस मैच में भी होने वाले हैं दोस्तों। मैंने आपको स्टेट्स ऊपर बता ही दिए दोनों के, इस ग्राउंड पे कैसे स्टेट्स रहते हैं ये देखो दोस्तों। डीकॉक का 9 मैच में 361 रहा है स्ट्राइक रेट, 160 का रहा है, 40 का एवरेज रहा है। आरसीबी उन्होंने यहाँ पे 108 60 और 69 के अपने 4 इनिंग में बनाए हैं। रोहित शर्मा का देखो, उन्होंने यहाँ पे 3 मैच में 150 बनाए है, स्कोर 94 का रहा है दोस्तों इस ग्राउंड पर उनका दोस्तों। उसके बाद आपको बैटिंग करते हुए देख सकते हैं सूर्य कुमार यादव, और उसके बाद आएंगे युवराज सिंह। पिछले मैच में इन्होंने 35 बॉल पर 53 रन बनाए हैं, अब फॉर्म में वापसी आ चुके हैं। कोलिन पोलार्ड को कौन नहीं जानता दोस्तों, वो कितना हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, लेट आवर्स में रसल की तरह बैटिंग कर सकते हैं। और हार्दिक पांड्या पिछले मैच में कुछ खास रन नहीं कर पाए थे, 0 पे आउट हो गए थे, लेकिन एक विकेट लिया था। कुणाल पांड्या ने अच्छी बैटिंग करी थी, 32 रन बनाए थे। बैन कटिंग आएंगे, यहाँ तक उनकी बैटिंग है, मैकलेगन भी बैटिंग कर लेते हैं दोस्तों। पिछले मैच में मैकलेगन ने 3 विकेट लिए थे, जसप्रीत बुमराह को 1 विकेट लिया। तो चेंजेस होएगा दोस्तों, वो जैसे कि पिछले मैच रकम सलम खेले थे, उनकी जगह मयंक मारकंडे को जरूर खिलाएगी इस मैच में टीम दोस्तों। प्लेयर्स बैटल की बात करें तो कोहली और मैकलेगन के बीच 4 टाइम्स डिसमिस किया कोहली को मैकलेगन ने 40 बॉलों के अंदर। ए बी को कुणाल पांड्या ने डिसमिस किया 4 मैचेज में 4 बार, और वो 33 रन ही बना पाए हैं दोस्तों। हमारे जो फैंटेसी टीम की तरफ से आपके टॉप पिक्स रहने वहाँ स्मॉल लीग्स में विराट कोहली, ए बी कोटंडिक और रोहित शर्मा। जो आज के मैच के लिए डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं दोस्तों, वो हैं मोइन अली, एटमायर, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांडे, पोलार्ड दोस्तों। उसके बाद बात करें तो हम यहाँ पे जो बात करते हैं फैंटेसी साइट्स जो टीम एडिट करने का मौका देते हैं, तो उसके बाद वो हैं ड्रीम 11, माई टीम 11, हालाप्ले, इन सबके डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो लिंक में मिल जाएंगे, आप जल्दी से वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप अभी तक साइन अप नहीं है तो। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम फैंटेसी बाजार, टीम न्यूज़ पाने के लिए। चलो दोस्तों, इस एनालिसिस से जल्दी टीम बनाने की कोशिश कर, जो मैंने टीमें बनाई हैं उनका प्रीव्यू दिखा देता हूँ ताकि आप समझ सको। मैंने फर्स्ट टीम बनाई है दोस्तों ए बी और विराट कोहली, रोहित शर्मा और पोलार्ड को लेते हुए, कॉटन डीकॉक को लेते हुए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दोस्तों पहले बैटिंग आएगी इसकी मुंबई इंडियंस की, और वो अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे और लास्ट में डिफेंड भी कर पाएंगे। विराट कोहली ए बी डिलर्स के साथ मोइन अली भी आपको फर्स्ट 3 में दिखेंगे। स्वयं दुबे आपको लेट आवर्स में बैटिंग करते हुए देख सकते हैं नवदीप सैनी के साथ। स्वयं दुबे ऑलराउंडर दोस्तों, पिछले मैच में 1-2-4 बॉलिंग किए थे परंतु काफ़ी कम स्कोर था इसलिए कर पाए थे, हो सकता है आज अच्छे और फैक्स के दोस्तों। उसके बाद मैंने ट्राई किया है सेकंड टीम में डीकॉक और विराट कोहली का कम्बिनेशन, जिसमें टीम वही है दोस्तों, बस कम कम्बिनेशन नहीं आपको बताने के लिए ये मैंने टीम बनाई है, आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। जो मैंने थर्ड टीम बनाई है वो दोस्तों रोहित शर्मा को और ए बी डिलर्स को रहते, टीम वही है
कम्बिनेशन बताया आपको, और लास्ट में जो है दोस्तों कॉटन डिकॉक और एबी डिलियर्स का कम्बिनेशन ट्राई किया है। आप उम्मीद करूँगा कि आप अगर चेंजेस करना चाहते हैं दोस्तों, चेंजेस भी बता देता हूँ आपको कैसे कर सकते हैं। आप पार्थिव पटेल को ले सकते हैं, उसके बाद आपको क्रेडिट का मेंटेन हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सूर्य कुमार यादव को भी ले सकते हैं, एटमायर को भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको क्रेडिट इशू नहीं होता है तो। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में आप को मोइन अली को और कुणाल पांड्या को ज़रूर लेना दोस्तों, काफ़ी अच्छे रहेंगे। उसके बाद अगर सेम दुबे के आप नहीं लेना चाहते हो, अगर कुणाल पांड्या खेलते हैं और क्रेडिट मेंटेन हो जाते हैं, आप इनको ले सकते हैं क्योंकि इनकी जो कंडीशन रही है ए बी डिलियर्स के खिलाफ वो काफ़ी अच्छी रही हैं परफॉर्मेंस। आप मैकलेगन सैनी अगर नहीं खेलते हैं आज के मैच में, वाशिंगटन खेलते हैं तब उनको ट्राई कर सकते हो। जसप्रीत खेलते हैं तो दोस्तों मैंने अभी पिक नहीं किया है क्योंकि अगर टॉस के बाद पता चलेगा तो मैं ज़रूर पिक करूँगा, और चहल को भी ले सकते हो उमेश यादव के साथ। ये क्रेडिट मेंटेन आप एक तो डिकॉक को ड्रॉप करके पार्थिव पटेल को कर सकते हो, या फिर आप विराट कोहली रोहित शर्मा ए बी डिलियर्स किसी एक को ड्रॉप करके दूसरे को लेते हुए उनकी टीम से तो क्रेडिट मेंटेन आसानी से कर सकते हो। उम्मीद करूँगा कि दोस्तों इस एनालिसिस से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी और आपने लिए कोई अच्छी फैंटेसी की टीम बना पाएंगे और अच्छा विन कर पाएंगे। लास्ट में उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।